तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यह मेरी 2018 की अंतिम वीडियो है और सबसे पहले आपको 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ में हम शुरू करते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से कौन सा अपडेट यहाँ पर आया है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, आज ही है 31 दिसंबर को अपडेट आया है यहाँ पर, 31 दिसंबर 2018 को, और यह अपडेट किया गया था सुबह 11:31 पर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में यहाँ पर आप टिकाव देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादा रिक्वायरमेंट टेस्ट 2018 की रिवाइज रूल बुक जारी की गई है। यह कभी व्यापम के द्वारा एक रिक्रूटमेंट जो है कराई गई थी और उसकी रिवाइज रूल बुक जारी की गई। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। दोस्तों क्या है यह नोटिस, इसे आप एक बार पूरा पढ़ सकते हैं और दोस्तों इसको आप देख सकते हैं रिक्त, यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या लिखा है। तो रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी करने के उपरांत राज्य शासन द्वारा सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष कर देने से सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होने की संभावना समाप्त होने के साथ ही पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण उच्च पदों उन्नति से पद रिक्त होने की संभावना समाप्त हो गई है। दोस्तों यह कहें कि एक बैड न्यूज़ है और यह लगभग इनके लिए बैड न्यूज़, यहाँ पर इतनी वैकेंसी जो है यहाँ पर रद्द की गई हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका कारण यह है कि पहले जो सेवानिवृत्ति की आयु होती थी वो 60 वर्ष होती थी, उसके बाद इसमें 2 वर्ष की वृद्धि कर दी गई, तो यहाँ से 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु हो गई। तो दोस्तों इसकी वजह से यह यहाँ पर कुछ भर्तियाँ हैं जो कि रद्द की गई हैं, टोटल यहाँ पर इतनी भर्तियाँ रद्द की गई हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब थी लगभग सभी में 60 वर्ष से सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दी गई है, जिससे कि वैकेंसी बहुत ही कम इस बार निकल रही है। तो आपने पिछले दिनों SI में भी देखा, जो एक नोटिस दैनिक भास्कर में पब्लिश किया गया था, उसमें बताया गया कि इस बार 150 पोस्ट इसमें आने वाली हैं, वो भी SI की। तो उसमें यही यदि 60 वर्ष होती सेवानिवृत्ति की आयु, तो लगभग यहाँ पर आपको 1000 से 1200 पोस्ट देखने को मिलती SI की। ठीक है दोस्तों, तो इसका असर होना हो मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल में भी पड़ सकता है, तो यह कहें कि एक ख़राब न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मध्य प्रदेश व्यापम से संबंधित कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।